हमारे दूरदर्शी केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने पूरे देश में राजमार्गों का जाल बिछाया है। साथ ही देश के दिल मध्य प्रदेश को भी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उपहार दिया है, जिसे यथार्थ बनाने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने पूरा सहयोग दिया। बाघों के लिए मशहूर सीधी रीवा सतना क्षेत्र में 2,444 करोड़ रुपए की लागत से 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का आज लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। आज लोकार्पण होने वाली परियोजना में सबसे अहम है रीवा सीधी मार्ग पर 1600 करोड़ रुपए की लागत से बनी 15 किलोमीटर 4 लेन चुरहट बाईपास, जिस पर मोहनिया घाटी में 2 किलोमीटर लंबी 6 लेन ट्विन टनल का निर्माण किया गया है। इससे वाहनों को मोहनिया घाटी के अंधे और घुमावदार मोड़ और बड़ी बड़ी चढ़ाइयों से राहत मिलेगी। पहले वाहनों को घाटी से गुजरने में 45 मिनट लगते थे, जो अब सिर्फ 5 मिनट में पूरी होगी। इस टनल की मॉनिटरिंग स्काडा सिस्टम से की जाएगी और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। इस क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझते हुए 15,000 पेड़ लगाए गए हैं। इस टनल के निर्माण से जबलपुर झांसी के लिए सीधा मार्ग खुलने से दक्षिण भारत और उत्तर भारत के राज्यों तक कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिससे व्यापार, उद्योग और कृषि के विकास का लाभ इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को मिलेगा। साथ ही बाण सागर बांध संजय गांधी राष्ट्रीय नेशनल पार्क के कारण दुनिया भर से आने वाले पर्यटक रीवा सीधी सिंगरौली की ओर आकर्षित होंगे, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। आज ही CRIF के अंतर्गत 11 किलोमीटर कंक्रीट सीमेंट मार्ग का लोकार्पण भी किया जा रहा है। ये सड़क जबलपुर से प्रयागराज, सीधी, सिंगरौली और शहडोल को डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। इसी के साथ सतना बेला खंड में NH-75 पर पेव्ड शोल्डर सह 4 लेन सड़क का निर्माण, सज्जनपुर छिबौरा गजन खंड पर 2 लेन सड़क निर्माण और सिमरिया बनकुइया रीवा रोड से खामरिया तक 2 लेन का उन्नयन कार्य भी आज पूर्ण कर लोकार्पण किया जा रहा है। आज 2 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया जा रहा है, जो है व्योहारी आदर्श गांव से न्यू सप्ता मार्ग का उन्नयन कार्य और CRIF के अंतर्गत देव तालाब नयगरही सेक्शन का उन्नयन कार्य। इन मार्गों के पूर्ण होने से वाराणसी प्रयागराज तक पहुंच सुगम हो जाएगी। इन सभी परियोजनाओं से मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ एवं झारखंड तक चावल और स्टील का आवागमन तेज और सुगम होगा, जिससे औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए आयाम खुलेंगे। इस चौतरफा विकास से विंध्य क्षेत्र में खुशहाली और तरक्की की एक नई बहार आएगी, जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करेगा।